एक आदमी जो खुद को पोपटलाल कहता है अपने पोपट के साथ मंदिर के बाहर बैठता है। वो अक्सर लोगों को झूठी भविष्यवाणी बताकर पैसे ऐंठता था, इसीलिए कुछ दिनों से उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे। वो परेशान था। आहा, अब मैं क्या करूं? 2 हफ्ते से मेरे झांसे में कोई नहीं आ रहा है। जो बचे हुए पैसे थे वो भी मेरे अय्याशी में उड़ गए। एक आदमी जा रहा था। अरे महाराज सुनिए, ये पोपट आपकी भविष्यवाणी बताएगा, जरा इधर तो आइए। अरे भाई, क्या तुम मुफ्त में मेरी भविष्यवाणी बताओगे? नहीं नहीं महाराज, जो आपको सही लगे दे दीजिएगा, 200 रुपए या फिर 500 रुपए। अरे पागल है क्या, 500 रुपए वो भी भविष्यवाणी के लिए? उससे अच्छा मैं अपने फोन में देख लूंगा, वो भी फ्री में। ये फोन ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। ठाकुर जी गाँव के बहुत ही बड़े व्यापारी थे, आज वो भी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। वो अपनी लंबी सी गाड़ी से उतरे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पोपटलाल अपने झोले से एक कील निकालता है और ठाकुर जी के गाड़ी के टायर में घुसा देता है। जब ठाकुर जी मंदिर से बाहर आए तो पोपटलाल ठाकुर जी के पैर पकड़ लेता है। अरे ठाकुर जी, इस रास्ते से मत जाइए, हमें आपके सर पे खतरा दिखाई दे रहा है, शनि का प्रकोप कुछ ठीक नहीं है। अरे हर दिन इस रास्ते से जाता हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे मेरा पैर तो छोड़ो। ठाकुर जी अपने पैर झटकते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ठाकुर जी गाड़ी में बैठकर चलने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही कील अंदर चली जाती है और गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तभी गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। ठाकुर जी को कुछ खरोच भी आती है। तभी उन्हें पोपटलाल की बात याद आती है। अरे ठाकुर जी, इस रास्ते से मत जाइए, हमें आपके सर पे खतरा दिखाई दे रहा है, शनि का प्रकोप कुछ ठीक नहीं है। अरे अब तक ठाकुर आया क्यों नहीं, कहीं मर तो नहीं गया? तभी ठाकुर जी लगड़ाते लगड़ाते आते हैं और पोपटलाल से कहते हैं, अरे पोपटलाल, हम सच में मरते मरते बचे हैं, और क्या खतरा है मेरे सर पे बताइए। चल मेरे पोपट, अपना जादू दिखा, एक पत्ता निकाल और ठाकुर जी की भविष्यवाणी दिखा। पोपट एक पत्ता उठाता है और पोपटलाल देखता है। अरे बाप रे, आपके सर से अभी तक खतरा टला नहीं है, आपके कारोबार में भारी नुकसान होने वाला है। पोपटलाल, इसका कुछ हल बताइए। हर दिन गाय को चारा खिलाइए, 2 महीने तक आपके सारे खतरे टल जाएंगे, और ठाकुर जी थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिएगा। ठाकुर जी खुशी खुशी पोपटलाल को 10,000 रुपए देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये बात पूरे गाँव में फैल गयी। अब हर कोई पोपटलाल के पास अपनी भविष्यवाणी देखने आने लगा। अगले दिन से लोगों की लंबी लाइन लगी होती है पोपटलाल से अपनी भविष्यवाणी देखने के लिए। पोपटलाल लोगों को अपने मन से कुछ भी बोल देता था। देख भाई, तुझे 5 दिनों तक नंगे पैर रहना है, 1 महीने तक तुझे 1 वक्त का खाना ही खाना है, गलती से भी कुछ और मत खा लेना, तुझे अंधेरे होने से पहले सो जाना है और सूरज उगने से पहले जग जाना है, समझा? तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। उसी लाइन में ठाकुर जी का बेटा आनंद वहाँ पर खड़ा होता है। उसकी बारी आती है। मेरी भी भविष्यवाणी बताइए। पोपट, अपना जादू दिखा, एक पत्ता निकाल के इनकी भविष्यवाणी बता। क्या है पत्ती में? 1 महीने तक शनिदेव की भक्ति में लीन हो जा, सब अच्छा होगा बच्चा, दक्षिणा मत भूलना मेरी। आनंद 1 महीने तक शनिदेव की भक्ति करता है, हर दिन शनिदेव के मंदिर में जाता है, हर शनिवार शनिदेव को तेल चढ़ाता है, गरीबों को खाना खिलाता है, पर आनंद के साथ कुछ भी नहीं होता है। आनंद फिर से उस पोपटलाल के पास जाता है। अब पोपटलाल के पास एक बड़ी सी दुकान होती है, लोग वहाँ खुशी से बैठे हुए होते हैं, काउंटर पर एक लड़की होती है, और अब पोपटलाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आओ आओ आनंद, कैसे हो? 1 महीने से शनिदेव की भक्ति कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है तू एक बहरूपिया है पोपटलाल, तू सब झूठ बोलता है, तेरी तो दुकान ही बंद करवा दूंगा मैं। आनंद गुस्से में वहाँ से निकलकर मंदिर में चला जाता है। अच्छा बेटा, लगता है इसकी गाड़ी में भी कील घुसाना पड़ेगा। पोपटलाल आनंद की बाइक में भी कील घुसा देता है और वहाँ से चला जाता है। आनंद बाइक स्टार्ट करता है, तभी पोपटलाल कहता है कि इस रास्ते से बच जाओ, खतरा है, पर आनंद गुस्से में उसी रास्ते से जाता है। थोड़ी दूर जाते ही बाइक पंक्चर हो जाती है और आनंद बाइक से नीचे गिर जाता है। आनंद बाइक गैरेज में ले जाता है। आनंद के शरीर पर कुछ खरोचे भी आती है। भैया, आपकी बाइक में तो कील घुसी है, आपके पापा की गाड़ी में भी ऐसी ही कील थी। मतलब कुछ दिन पहले आपकी पापा की गाड़ी आई थी यहाँ,
उस गाड़ी में बस कील घुसी थी, बिल्कुल ऐसी ही कील थी। आनंद को सारी बात समझ में आ जाती है। उसने तुरंत ही अपने पिताजी को फोन लगाया और सब कुछ बता दिया। अब तक अनंत क्यों नहीं वापस आया? लगता है उसकी बाइक पंचर नहीं हुई है। ठाकुर जी पुलिस के साथ पोपटलाल के पास आते हैं। अरे आइए आइए ठाकुर जी, बोलिए कैसे आना हुआ? इन पुलिस वालों की भी भविष्यवाणी देखनी है क्या? अरे नहीं नहीं पोपटलाल, ये पुलिस वाले आपका भविष्यवाणी देखेंगे। इस आदमी के दुकान की तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद पोपटलाल के झोले से बहुत सारी कील मिलती है। तू इस कील से सबको बेवकूफ बनाता है ना? तूने उस दिन मेरा एक्सीडेंट करवाया था और आज मेरे बेटे अनंत का। अरे क्या, वो आपका बेटा है क्या? हे भगवान! पोपटलाल अब थाने चल, तेरी अच्छे से खातिरदारी करेंगे हम वहाँ। पोपटलाल भी अपना गुनाह कबूल करता है और उसे 1 साल की जेल हो जाती है। आखिरकार लालची पोपटलाल का बुरा हाल हुआ। एक बार की बात है, जामनगर नाम के गांव में रघुवीर और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था श्याम, जो एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता था। उनके साथ घर में राम भी रहता था। राम रघुवीर के दोस्त का लड़का था, जिसके माता पिता उसके बचपन में ही दुर्घटना में चल बसे थे। राम का कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए रघुवीर ने राम को अपने ही घर पर रखा था और राम को कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। श्याम और राम दोनों में एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम था। राम का एक बहुत बड़ा शोरूम था, दोनों अच्छे कमाते थे। साथ ही साथ उनके घर में रघुवीर की बहन राधा भी रहती थी। वो एक विधवा थी। राधा बुआ का उनके घर में बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए घर में उनकी बहुत चलती थी। कोई उनकी बात को नहीं टालता था। एक दिन राधा रघुवीर के पास आती है और उनसे, भैया क्या आपने दोनों लड़कों को जिंदगी भर कुंवारा ही रखना है? रघुवीर थोड़े मॉडर्न सोच का था, वो अपने बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहता था। लेकिन राधा के बार बार बोलने पर रघुवीर श्याम और राम के पास जाता है और उनसे, देखो बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, दोनों अच्छा कमा भी लेते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम दोनों की शादी कर दूँ। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। राम तुम क्या कहते हो बेटा? अंकल मेरे माँ पिताजी भगवान सब कुछ आप ही हो, मेरे जीवन का हर निर्णय लेने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन श्याम मेरे से बड़ा है, तो पहले श्याम की शादी करते हैं, फिर मेरी। अच्छा बेटा, 1 साल तुमसे बड़ा क्या हुआ? तुम तो पहले मुझे ही फंसा रहे हो। फिर नहीं तो क्या, पहले तो तेरी ही शादी होगी भाई, बाद में मेरी शादी। पहले तेरी शादी में बहुत मजे करूंगा, फिर आराम से शादी करूंगा। क्यों अंकल, दोनों के दोनों नालायक होते जा रहे हो दिन भर दिन। अब देखो तुम दोनों की मैं 1 ही साल में शादी करवा देता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, ये बिल्कुल सही होगा। रघुवीर श्याम और राम में जब इतना सारा स्नेह देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता था। मुस्कुराते हुए रघुवीर वहाँ से चला जाता है और श्याम के लिए लड़की ढूंढना शुरू करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रघुवीर श्याम को अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा तो श्याम रघुवीर से, वो पिताजी मैं। हाँ बेटा बोलो। अरे अरे डरता क्यों है भाई, बता दे, प्यार किया तो डरना क्या? राम श्याम दोनों साफ साफ बताओ क्या बात है? पिताजी मैं मीरा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या श्याम, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो घोर अनर्थ है अनर्थ। क्या तुम्हें पता नहीं हमारे घर के संस्कार क्या है, और तुम अपने पिता से ये बात कर रहे हो? जरूर इस राम ने तुम्हें बिगाड़ा है। अरे वाह, ये लो, मैं भला उसे क्यों बिगाड़ूंगा, श्याम की कंपनी में ही जॉब करती है मेरी होने वाली भाभी। अरे यार राम, तू तो आज मुझे मरवा ही देगा, जरा चुप हो जा भाई। वो बुआ बर, जरा बात तो सुन लो मेरी। चुप करो, तुम्हारी शादी इनमें से ही एक के साथ होगी, भूल जाओ कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। नहीं बुआ, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, प्लीज बुआ। हमें सब पता है कि जो लड़की अपने आप अपने लिए वर ढूंढे, वो लड़की कैसी होगी, उसका चरित्र कैसे होगा। राधा बुआ की बात सुनकर श्याम वहाँ से गुस्से में चला जाता है और कुछ देर बाद रघुवीर श्याम के कमरे में जाकर, श्याम बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बुआ पुराने ख्यालों की है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। हाँ पिताजी मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम आप तो एक बार मीरा से मिल लीजिए।
अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, जरूर मिलेंगे जरूर मिलेंगे। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पिताजी। वाह 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 वाह, क्या बात कही है मैंने भाई, शायद अब मुझे शायर भी बनना पड़ेगा। देखो देखो पिताजी, मुझे कैसे छेड़ रहा है ये। रुक जा बेटे, तेरा भी वक्त आएगा, तब तुझे देख लूंगा मैं। अरे भाई, मैं तो अंकल जैसे कहेंगे जिससे कहेंगे उसी से शादी कर लूंगा। मैं बड़ा सीधा साधा प्यारा बच्चा हूँ, है ना अंकल। अरे बदमाशो, अब तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारी बुआ को मनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, शादी अरेंज मैरिज की तरह ही करेंगे, ताकि तुम्हारी बुआ को भी बुरा ना लगे। थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटे, पिताजी ने हाँ क्या बोल दिया, तुम तो हमें ही भूल गए। इतनी खुशी, इतनी खुशी। अरे भाई, तुम्हें सबसे बड़ा वाला थैंक यू। चलो पहले ये बात मैं मीरा को बता देता हूँ। रुको, अभी कॉल करता हूँ मीरा को। हाँ भाई, बता दे बता दे। अब हम तो जा रहे हमारे काम पर, तुम करो एंजॉय। श्याम बहुत खुश था, वो मीरा को कॉल कर सारी बात बताता है। मीरा श्याम के ऑफिस में ही काम करती थी, जो बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। अब श्याम और मीरा की अरेंज मैरिज की तरह ही बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। श्याम और मीरा की शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी कि एक दिन राधा बुआ। श्याम, शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे खास रस्म अभी बाकी है। वो कौन सी बुआ? अरे बेटा, हमारे कुलदेवी का दर्शन तो अभी बाकी है। जब तक तुम दोनों कुलदेवी का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक तुम दोनों अपना पारिवारिक जीवन शुरू ही नहीं कर पाओगे। हमें कल ही कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना होगा। चलो अब सब सो जाओ, कल सुबह हम जल्दी ही निकलेंगे। पिताजी, मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। मेरे कुछ काम पेंडिंग है, जिसे अगर मैंने आज पूरा कर लिया तो मुझे और 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मीरा, मुझे कुछ काम से ऑफिस जाना पड़ रहा है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जी जल्दी आना, मैं आपकी राह देखूंगी। हेलो, अरे सुनिए भाई साहब, ये मोबाइल जिनकी जेब से मिला है उनका बहुत जोर से एक्सीडेंट हो चुका है और उनकी वहीं पर मौत हो चुकी है। क्या हुआ राम, क्या बात है? अंकल, शाम का एक्सीडेंट हुआ है और उसी में उसकी डेथ हो गई है अंकल। आपने मुझे धोखा दिया, आप जल्दी आने वाले थे, क्यों झूठ कहा आपने? अभी तो मेरे हाथ से आपके नाम की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप मुझे छोड़ गए। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ किया तुमने। बहन जी, मैं चाहती थी कि अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घर जाऊं। नहीं माँ, मैं शाम की यादों के साथ यही रहना पसंद करूंगी। मेरी शाम की यहाँ कई सारी यादें बसी हुई है माँ, मैं यही रहूंगी माँ। आप लोग कौन हो? भाभी, मैंने ही इन औरतों को यहाँ बुलाया है। अब मीरा को शाम की विधवा बनकर ही जीना पड़ेगा। अब मीरा का केश ओपन करना होगा, उसके सारे बाल निकालने होंगे। अब वो पूरी जिंदगी भर कभी भी सच सवर नहीं पाएगी।
बुआ जी, आप ये क्या बातें कर रही हो? मीरा की उम्र ही क्या है और आप उसके ऊपर इतने सारे रोग कैसे लगा सकती हो? राम, तुम्हारे सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ बुआ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका जमाना अलग था। अब ये कोई नहीं मानता बुआ जी। कोई नहीं मानता? अरे ये जो औरतें आई हुई है वो भी तो। अच्छा, तो आपका मतलब इतना ही है ना कि अगर मीरा की मांग सजी हो तो उसे कोई विधवा नहीं कहेगा और ना ही इन पर कोई रोक लगेगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब मीरा के नसीब में ये कहाँ है। राधा बोल ही रही थी कि राम घर के मंदिर में जाकर कुमकुम लेकर आता है और राधा की मांग में सिंदूर भर देता है। अब कहिए बुआ जी, अब तो मीरा पर कोई रोक नहीं होगी ना। राम, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इस विधवा से शादी करोगे? ये श्याम की विधवा है, इसे पूरा जीवन श्याम की विधवा बनकर ही जीना होगा। बस दीदी बस, बहुत हो गया। मैंने आज तक आपसे कभी कोई बहस नहीं की, लेकिन राम ने आज जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे ये लड़की इस घर को लगी पनौती है पनौती। इसने तुम्हारे एक बेटे को निगल लिया है, फिर भी तुम इसी की ओर से बोल रहे हो। दीदी, जब आप विधवा हुई तब मैं बहुत ही छोटा था, इस कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब नहीं दीदी, मीरा हमारी बेटी की तरह है, एक बार उसकी जगह अपने आप को रख कर देखो। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने से पहले ही उसके साथ ऐसा हुआ है। अब हमारा श्याम तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या हम उसका कसूरवार मीरा को मान ले और उसे पूरी जिंदगी उसकी विधवा बनाकर अपने घर में बिठाए? मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं है दीदी। अब राधा की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब कुछ ही दिनों बाद रघुवीर मीरा और राम की शादी करवाते हैं। तभी मीरा रघुवीर के पास जाकर, पिताजी आपने फिर से मेरी दुनिया बसा दी। पिताजी, श्याम मुझे हमेशा कहते थे कि मेरे पिताजी तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार करेंगे। मीरा बेटी, मेरा भी तो यही फर्ज था कि तुम अपना सारा जीवन अच्छे से बिता पाओ, खुश रहो बेटी। मीरा और राम रघुवीर के पैर पकड़ते हैं और रघुवीर राम और मीरा को उठाकर अपने गले लगा लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परिस्थिति अनुसार अपने जीवन के नियमों को बदलना चाहिए, अपने विचारों से दूसरों को दुख ना हो ऐसा जीना चाहिए।